वेलकम टू फ्रेम बेक्स। आज हम बना रहे हैं फिरनी। फिरनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है 1.5 लीटर दूध, उसमें से 1 कप हमने अलग निकाल लिया है, आधा कप चावल, इन्हें तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोया है, 1 टीस्पून इलायची, कुटी हुई इलायची ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क, 1 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम, आधा कप चीनी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम चावल ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में चावल डालेंगे। चावल डाल दिए हैं, अब हमने जो 1 कप अलग दूध निकाला था वो डाल देंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। चावल ग्राइंड हो गए हैं, हम इसे उतार लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, कुटी हुई इलायची शामिल करेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए चावल शामिल करेंगे। और चावलों के फूलने तक दूध को पकाएंगे। मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे ताकि चावल नीचे ना लगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। चावल फूलना शुरू हो गए हैं, पाउडर मिल्क शामिल करेंगे। पिसे हुए बादाम शामिल करेंगे। चम्मच चलाते जाएंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब इसमें कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे। और 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। फिरनी गाढ़ी हो गई है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जी व्यूवर्स, फिरनी बिल्कुल रेडी है, डिश आउट कर लिया है। अब हम कटे हुए बादाम के साथ इसे गार्निश करते हैं।
तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी फिरनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआ में रखिएगा याद। फ़ी अमानिल्लाह।